नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में जिसका शीर्षक है नॉट प्रैक्टिसिंग इज द ओनली रीजन बिहाइंड नॉन फ्लुएंसी। यानी कि इंग्लिश की नॉलेज होते हुए भी हमें स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं होती, इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। नॉट प्रैक्टिसिंग इज द मेन रीजन बिहाइंड नॉन फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? कि आप किसी भाषा को प्रॉपर तरीके से लिख पाएं, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको पता हो और प्रॉपर तरीके से आप उसे बोल पाएं। फ्लुएंसी सिर्फ इंग्लिश की टर्म्स में नहीं होती, किसी भी भाषा की फ्लुएंसी मतलब उस भाषा के ऊपर लिखने और बोलने की परफेक्शन। यहाँ मैं स्पेशली इंग्लिश का केस लूँगा क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की, स्टूडेंट डेवलपमेंट की, इसलिए मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश फ्लुएंसी की बात करूँगा। इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आप ऐसा क्या करें जिससे कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएं? आजकल की मेजर प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुले हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग तरीके से बच्चों को इंग्लिश इम्प्रूव करा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट्स का, इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये इंस्टीट्यूट होंगे तभी बच्चों को नई अवेयरनेस मिलेगी, क्योंकि वहाँ के टीचर एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते हैं। एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है किसी भी इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट शहर में होना एक बहुत बड़ी बात है और लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन कई केसेस में जब आप ऐसी स्थिति में हों कि आप अपने रेगुलर शेड्यूल को पूरा करने के बाद आपके पास समय नहीं बच रहा है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके लर्न कर सके, तो आप अपने सेल्फ एफर्ट द्वारा भी लर्न कर सकते हैं। और यहाँ मैं यही चीज़ आपको बताने के लिए आया हूँ कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सेल्फ एफर्ट से किस प्रकार इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी भाषा की जानकारी रखने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड है उसके शब्दकोश को समझना, उसकी वोकैबुलरी को समझना, और वोकैबुलरी को समझने के लिए आपके पास उस भाषा से जुड़े हुए कई शब्द होने चाहिए और उन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहली एबिलिटी जो है वो है रीडिंग एबिलिटी, जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के टेक्स्ट पढ़िए डेली बेसिस पे, खास तौर पे इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए डेली बेसिस पे, क्योंकि न्यूज़पेपर में अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड अलग अलग खबरें होती हैं, तो अलग अलग फील्ड में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उन्हें बेहतर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का जो पैटर्न होता है वो न्यूज़पेपर फॉलो करता है। इसलिए आपको न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपकी वर्ड पावर इंप्रूव होगी। अब दूसरा तरीका क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की मोटिवेशनल बुक्स और नॉवेल्स भी आप ज़रूर पढ़ें, इससे भी आपका शब्दकोश स्ट्रांग होगा। अगर आप एक बिजी स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आप बुक्स नॉवेल्स एक्स्ट्रा नहीं कुछ पढ़ सकते अपनी कोर्स के सब्जेक्ट को लेके, तो भी कोई बात नहीं, आपके जो भी कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनकी किताबों को आप ध्यान से पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़िए और जानने की कोशिश करिए कि किस तरह से वो चीज़ एक्सप्लेन करी गई है। इससे आपकी टेक्निकल नॉलेज तो इम्प्रूव होगी ही, साथ के साथ इंग्लिश के ऊपर भी आपकी कमांड आएगी। अब ये तो बात रही इंग्लिश के शब्दकोश को समझने की और वोकैबुलरी स्ट्रांग करने की। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको ये समझना है कि इंग्लिश में एक्चुअली नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बोलते कैसे हैं और किसी शब्द की प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। ये जानने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, इंग्लिश की मूवीज़ देखिए, इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर्स को यूट्यूब के ऊपर रोज़ सुनिए, और इंग्लिश की जो इंग्लिश न्यूज़ है उसे आप डेली सुने, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अखबार हम पढ़ते हैं उसके अंदर डेली बेसिस पे क्या हो रहा है उससे रिलेटेड खबरें होती हैं, उसी से रिलेटेड वोकैबुलरी होती है। सेम चीज़ अगर आप इंग्लिश न्यूज़ डेली सुनते हैं तो उसी तरह की वोकैबुलरी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट वर्ड और उन्हें प्रोनाउंस कैसे करना है इसकी जानकारी आपको इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखकर होती है। तो एक ये चीज़ आप करें। दूसरी चीज़, आप अब लर्न कर चुके हैं कि आपका शब्दकोश किस तरह से स्ट्रांग होगा, आपको इंग्लिश के पैटर्न को किस तरह से समझना है। अब सबसे आखिरी खास चीज़ है कि इस चीज़ को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है, आप कैसे इस चीज़ को बोलें। तो अब आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर आइए।
आम तौर पे माहौल ऐसा देखा जाता है कि हम लोग हिंदी स्पीकिंग एटमोस्फियर में रह रहे हैं, इसलिए ज्यादातर हमें इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले लोग नहीं मिल पाते। ऐसे में आप अपने घर में इंग्लिश स्पीकिंग का एटमोस्फियर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी इंग्लिश में याद करिए और शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए। ये एक्टिविटी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अपनी पसंद से आप कोई भी टेक्स्ट उठाइए, वो आपके कोर्स बुक से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, थोड़ा सा उसे मेमोराइज करिए और शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने से बिल्कुल वही फीलिंग आती है जैसे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री में जहाँ ऐसा एटमोसफेयर है कि आपको रेगुलर डेली बेसिस पे इंग्लिश में बात करने वाले लोग नहीं मिल पाएंगे, ऐसी स्थिति में आप मिरर इमेज की हेल्प लेके अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। आपको बाहरी किसी व्यक्ति की सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा मिल नहीं रहा है जिसके साथ डेली बेसिस पे बात करके मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकूँ। आप सेल्फ एफर्ट के द्वारा अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ भी इंग्लिश का टेक्स्ट याद करिए, शीशे के सामने खड़े होकर उसे बोलिए और देखिए कि आपकी मिरर इमेज में आप कैसे दिखते हैं। इंग्लिश बोलते वक्त आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, इंग्लिश बोलते वक्त आप आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये चीज़ आपको शीशे के सामने बोलने पे साफ तौर पे समझ में आ जाएगी। एक खास चीज़ और आप कर सकते हैं, वो है वॉइस रिकॉर्डिंग। हम अक्सर अपने कोर्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए भी एक बड़ा सही तरीका है जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और इंग्लिश फ्लुएंसी भी हो जाएगी। आप जो भी पढ़ें उसे बोल बोल कर याद करें। जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त आप अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर लें। रिकॉर्डर ऑन कर लें, जब तक आप बोल रहे हैं तब तक वो वॉइस रिकॉर्ड होती रहेगी। जब वो वॉइस रिकॉर्ड हो गई पूरी तरह से, उस वॉइस को आप खुद सुनिए। जब आप उस वॉइस को खुद सुनेंगे तो आप समझेंगे कि आप किन किन शब्दों को प्रॉपरली बोल पा रहे हैं, किन किन शब्दों को प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन का लेवल क्या है जब आप बोलते हैं। क्या आप किसी शब्द को गलत प्रोनाउंस तो नहीं कर रहे, या आप कहीं सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई गलती तो नहीं कर रहे। ये सारी जानकारी आपको खुद का वीडियो देखकर, खुद की वॉइस सुनकर समझ में आ जाएगा। ये सबसे सटीक स्टेप है सेल्फ इवैल्यूएशन का, उस केस में जब आपको इवैल्यूएट करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। इसलिए आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए बिना किसी आउटसाइड हेल्प के अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को इंग्लिश में फ्लुएंट बना सकते हैं। तो यही कुछ टिप्स हैं, यही कुछ ट्रिक्स हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, सेल्फ लर्निंग की, होम बेस्ड लर्निंग की, जो आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करें, ये आपको हमेशा फ़ायदा देंगे। और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक एमबीए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।